पंजाब में कांग्रेस अपने ही नेताओं को लेकर दुविधा में है। पंजाब में उसके सामने तीन चैलेंज है। पहला, कैप्टन और सिद्धू के बीच छिड़ी जंग। दूसरा, पंजाब में अकाली और बीएसपी के गठबंधन से निपटना। और तीसरा, पंजाब की दलित पॉलिटिक्स में खुद को अव्वल रखना। इसी को लेकर कैप्टन को आज दिल्ली बुलाया गया, लेकिन कैप्टन से बात शुरू हुई तो वो सीधे सिद्धू पर बरसे। और तो और, राहुल गांधी भी सिद्धू से नाराज दिखे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की दिल्ली में पेशी क्यों हुई? कैप्टन और सिद्धू की जंग का क्या हल निकला? राहुल गांधी को सिद्धू की कौन सी बात बुरी लग गई? क्या कैप्टन और सिद्धू के बीच रात थम जाएगी? कैप्टन अमरिंदर सिंह के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हैं सिद्धू? पंजाब में कांग्रेस की कलह कैसे खत्म होगी, इसके लिए माथापच्ची दिल्ली तक में शुरू हो गई। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच टकराव को खत्म करने के लिए कैप्टन को दिल्ली बुलाया गया। इस मीटिंग में क्या हुआ, कैप्टन ने कौन सी सफाई पेश की, वो आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कि पंजाब कांग्रेस में कलह के तीन बड़े कारण क्या है, जिसकी वजह से दोनों के बीच जबरदस्त जंग छिड़ी हुई है। पहला, कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच बयानबाजी बंद नहीं हो रही है। दूसरा, दो विधायकों के बेटों को नौकरी देने से दोनों के बीच कलह बढ़ी है। तीसरा, सिद्धू के बयानबाजी के बाद विरोधी गुट के नेता एक्टिव हो गए हैं। पंजाब में दिए गए सिद्धू के बयान दिल्ली में आलाकमान को भी चुभ रहे हैं। जैसे ही कैप्टन दिल्ली आए, राहुल गांधी और कमेटी दोनों ने एक ही बात कही कि वो सिद्धू के उस बयान से खुश नहीं हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि दो परिवार पंजाब में फायदा उठा रहे हैं। कमेटी और हाईकमान दोनों का कहना था कि सिद्धू को ऐसे बयान सार्वजनिक तौर पर नहीं देने चाहिए थे। कांग्रेस इस बात को लेकर घबराई हुई है कि 2022 के चुनावों में सिद्धू और कैप्टन की जंग के चक्कर में विरोधी बाजी मार कर ना ले जाएं, क्योंकि पंजाब में अकाली और बीएसपी गठबंधन कर चुके हैं। और इसी रणनीति के लिए कैप्टन को कमेटी के सामने पेश किया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह की तीन सदस्यीय कमेटी के सामने 90 मिनट तक पेशी हुई, लेकिन कैप्टन के सुर सीधे सिद्धू के खिलाफ थे। तीन सदस्यीय पैनल से कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि नवजोत सिंह सिद्धू को ना तो डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, ना ही पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष का पद दिया जा सकता है। सीएम कैप्टन ने कमेटी से साफ तौर पर कहा कि मैं तो सिद्धू के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई चाहता हूं, और आप उसी महत्वपूर्ण पद देकर मेरे साथ बिठाने की बात कर रहे हैं, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता। कमेटी पहले से भी बैठ रही है और सबके साथ चर्चा करके 2022 के चुनाव किस ढंग से लड़ना और उसके लिए क्या क्या तैयारियां करना और सब एक होकर किस ढंग से उस चुनाव का मुकाबला कर सकते हैं, इसकी चर्चा कर रहे हैं और सब ठीक हो जाएगा। अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच दरार को पाटने के लिए पार्टी आलाकमान लगातार कोशिश में जुटा हुआ है। समिति ने पार्टी के विधायकों, सांसदों और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी, जिसके बाद पैनल के सदस्यों ने सोनिया गांधी को एक रिपोर्ट सौंपी थी। मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों ने कहा कि आगामी बैठक का उद्देश्य तमाम मुद्दों के संबंध में उन पर सहमति का समाधान खोजना है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू को लेकर भी एक महत्वपूर्ण बिंदु है। सिद्धू लगातार कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वो चुनाव में इस्तेमाल होने वाले शोपीस नहीं है। इससे पहले सिद्धू ने कहा था कि बार बार कहने पर भी जब सरकार ने ठोस कदम नहीं उठाए तो उनको सिस्टम से हटना पड़ा। ऐसे में कांग्रेस के सामने पंजाब में चुनौतियां बड़ी हैं, इनसे कैसे पार पाया जाए, इसी पर बार बार मंथन चल रहा है। आज तक ब्यूरो।